हेलो दोस्तों, कैसे हो? स्वागत है आप सभी का हमारे एस के इलेक्ट्रिक वर्चुअल में। तो दोस्तों, आज मैं सभी को, आपने जैसे हमारा थंबनेल देखा है, आपको जैसे पता है कि हम हर बार एक नया टॉपिक लेके आते हैं और हर बार एक नई वीडियो नए जोश के साथ आते हैं। तो दोस्तों, आज हमने सोचा कि जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, क्या हम उनके लिए कुछ एक वीडियो बनाएं, उनके लिए भी कुछ एक डाटा दें, कुछ मतलब उन्हें भी पता है। तो काफ़ी सारी हमने वीडियो डाली थी टेक्नीशियन के लिए, तो सोचा कि आज हम हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, सब्सक्राइबर लगा लीजिए, कई हमारे कस्टमर्स भी हैं और प्लस हमारे जो टेक्नीशियन भाई हैं, तो सभी इसमें इंक्लूड रहेंगे। तो सभी के लिए आपको मैं बता दूं, क्या हमें इन्वर्टर एसी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो आज हम इसी चीज़ पर, टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो के साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है? अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों शेयर करके जाना है। अगर वीडियो में कुछ गलत दिखे आए आपको, या कुछ मैं गलत बताऊं, या कुछ गलत गाइड करूं, या मिस करूं, तो आप मुझे दोस्तों कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा कि आपने ये कुछ गलत किया, ठीक है? और दोस्तों, मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा, सबसे बड़ी बात, जो दोस्त हमारे चैनल पर नहीं जुड़ रहे हैं, तो मैं उनको एक बात बताना चाहूंगा। हमारा जो भी ये वीडियो हम डालते हैं, इन्वर्टर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सभी वीडियो डालते हैं इस चैनल पे, ठीक है? और हमारा जो इलेक्ट्रिक माइंड चैनल है, वहाँ पे थ्योरिकल समझाया जाता है, ठीक है? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो जो दोस्त हमारा एसी लेने के लिए सोच रहे हैं इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का, तो सभी दोस्तों को मैं एक बात बताना चाहूंगा, अगर आप इन्वर्टर टेक्नोलॉजी ऐसे लेना चाहते हैं, तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे इन्वर्टर टेक्नोलॉजी और नॉन इन्वर्टर एसी में, ठीक है? नॉन इन्वर्टर एसी होता है जो कि डायरेक्टली चलता है, ठीक है? उसमें जो वो अपनी लाइट खाने की कैपेसिटी है वो एक ही चलती है, ठीक है? उसमें कम नहीं होती, ज़्यादा नहीं होती, उसमें सिर्फ ट्रिपिंग होती है, कंप्रेसर बंद होता है, चलता है, ठीक है? उसमें सिंपली ये रहेगा कि जैसे हमारा टेम्परेचर मेंटेन होगा, हमने जितना सेटिंग किया है 25, 26, 22, 23 उतना होगा, और उस पर ट्रिप कर जाएगा, कंप्रेसर बंद हो जाएगा, ठीक है? अब हम बात कर लेते हैं इन्वर्टर टेक्नोलॉजी की, ठीक है? तो हमारा जो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है, इन्वर्टर टेक्नोलॉजी में दोस्तों क्या होता है, जो हमारे दोस्त हैं, कस्टमर हैं, हमने काफ़ी सारे हमने टेक्नीशियन भाई के लिए वीडियो बनाई, तो सोचा हम अपने कस्टमर्स के लिए एक वीडियो बना दें, जिससे कि उन्हें पता चल सके, अवेयरनेस हो सके कि क्या हमें इन्वर्टर एसी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों अब पूरी बात ध्यान से, कान खोल कर, आंखें खोल कर, बिल्कुल माइंड फ्रेश माइंड से सुनिएगा, हम आपको क्या बताते हैं। इन्वर्टर टेक्नोलॉजी दोस्तों उन्हें बेनिफिट करते हैं जो दोस्त इन्वर्टर एसी को रेगुलर यूज करते हैं, जो 24 घंटा एसी चलता है, या फिर फुल नाइट एसी चलता है, या फुल डे एसी चलता है। दोस्तों पहली बात, उन्हें एसी लेना चाहिए। ये अगर किसी का हॉल बड़ा हो और आप इन्वर्टर एसी ले रहे हैं, वो आपके लिए गलत रहेगा, ठीक है? जिसका हॉल छोटा हो तो आप इन्वर्टर एसी लीजिए, ठीक है? अगर आपका हॉल बड़ा है तो नॉन इन्वर्टर एसी लगाइए, ये दोस्तों बात ध्यान रखिएगा। प्लस आपको ये बताऊं, इन्वर्टर एसी वो लें जो उसका मेंटेनेंस पूरा कर सकें, क्योंकि दोस्तों मैं आपको एक बात बता देता हूं, जो इन्वर्टर एसी आ रहे हैं, मैं ये वीडियो किसी भी ब्रांड के लिए, मैं ऐसे नहीं बना रहा कि आपको ब्रांड खरीदना नहीं है, खरीदिए, हम किसी के लिए गलत अवेयरनेस नहीं कर रहे हैं, हम आपको सिर्फ एक बात बता रहे हैं, हम क्योंकि टेक्नीशियन हैं, काम करते हैं, हम आपको एक राय दे सकते हैं कि कौन सा आपको एसी खरीदना चाहिए। मैं किसी कंपनी के थ्रू या किसी भी थ्रू ऐड नहीं कर रहा हूँ, या फिर मैं अपनी तरफ से कुछ ऐसा गलत नहीं बता रहा हूँ कि प्लीज कोई भी कंपनी का बात अगर ये सुन रहा तो इस बात को माइंड ना करे प्लीज। तो जो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी एसी होता है दोस्तों, वो काफी कॉस्टली उसके पार्ट्स होते हैं, ठीक है? दूसरी बात ये है, उसके काफी कॉस्टली पार्ट होते हैं। अगर आप इन्वर्टर एसी परचेज करते हैं दोस्तों, आपने सोचिए कि इन्वर्टर एसी एक परचेज किया, मैं आपको बताऊं उसके आउटडोर में एक पीसीबी होता है बड़े वाला, मैं आपको एक पीसीबी दिखा देता हूँ, आपको नॉर्मली पीसीबी दिखा देता हूँ, एक हमारा फ्रिज के अंदर पीसीबी आता है दोस्तों, हाँ ये रहा, ये हमारा पीसीबी होता है दोस्तों, ये हमारा पीसीबी है, ये इन्वर्टर टाइप फ्रिज होता है जो उसका पीसीबी है। और आप अगर हम पीछे से बात करें तो ये वाला, तो ऐसा पीसीबी आपको इन्वर्टर फ्रिज में लगा हुआ दिख जाएगा, ये हमारा एलजी का कार्ड है, आपको ऐसा पीसीबी, ये छोटे वाला है, आपको बड़े वाला कार्ड आउटडोर में दिखाई देगा। और प्लस जो हमारा रहता है, इंडोर में भी पीसीबी होता है, वो सभी को पता है, इसमें डीसी 3 फेज कंप्रेसर होता है दोस्तों। तो जब भी आप इन्वर्टर एसी लें, तो मैं आपको एक रिक्वायरमेंट करना चाहूंगा, जब आपके एसी की वारंटी वारंटी या गारंटी 1 साल या 10 साल की है, तो उसमें आप उससे क्लियर कीजिए कि भाई आप जो हमें गारंटी वारंटी दे रहे हो कितनी है, और उसके बाद आप उसकी एएमसी करवा लीजिए, क्योंकि उसका जो भी पार्ट होगा बहुत ही कॉस्टली होगा, जिसकी वजह से आपको बहुत ही झटका लग सकता है।
इसी की वजह से आपको करना क्या होगा, सिंपली उस एसी को परचेज करना है, और जो जब उसकी जितना वो टाइम पीरियड देते हैं गारंटी का निकल जाता है, तो आप उसके बाद उसकी एएमसी करवा लीजिए या इंश्योरेंस करवा लीजिए। उससे आपको बेनिफिट दोस्तों ये रहेगा, उसके अंदर चाहे 100 रुपये से लेकर 10 रुपये से लेकर 1000-10000 तक का कोई भी पार्ट खराब होगा, वो कंपनी की हेडिंग होगी, वो चेंज करके देगी। तो आपको ये थ्योरी आजमानी है दोस्तों। प्लस कोई भी इन्वर्टर टेक्नोलॉजी एसी लेते हैं तो ये बात ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात, अगर आपको इन्वर्टर एसी लेना है तो इन बातों का ध्यान रखिए, अगर नहीं लेना तो आप ज़्यादातर नॉन इन्वर्टर ही एसी यूज कीजिए। अगर आपका एसी रेगुलर में चलता है दोस्तों, आपका रेगुलर में चलता है, पूरा दिन चलता है, पूरा रात चलता है, तो इन्वर्टर एसी लीजिए। अगर आपका पूरा दिन पूरी रात नहीं चलता या कुछ टाइम के लिए चलता है, तो आप नॉन इन्वर्टर ले सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मेरे यही थी, इतना कुछ बताना था। अगर इसके बारे में मैं और कुछ बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, और मैं आपको वहाँ पूरा एक्सप्लेन करूंगा, जो हमारे टेक्नीशियन भाई हैं या हमारे नॉर्मल कस्टमर हैं, कि इन्वर्टर एसी काम कैसे करता है, वो लाइट कम कैसे खाता है, और लाइट कम खाने का उसकी वजह क्या है, तो उसके बारे में पूरा एक्सप्लेन करूंगा। और लाइट जब कम खाता है कितने एम्पेयर होते हैं, कितने एम्पेयर चलता है, या वो ट्रिप करता है या नहीं करता, तो इसके बारे में हम पूरी कंपैरिजन जो होगी, पूरी जो डाटा होगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के पार्ट्स में बता दूंगा, इसका सेकंड पार्ट बना दूंगा। तो आप वहां पे आके मिलिए। अगर दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।